दोस्तों, आज की कहानी है भाभी के तौर तरीके। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कनिका का दर्द आंखों में सिमट न सका और आंसू बनकर बह गया। ये आज की बात नहीं है, ये सिलसिला शादी के पग फेरे के बाद ही शुरू हो गई थी। कुणाल शादी के शुरुआती दिनों में ही कनिका को समझाने लगा था, देखो बड़ी भाभी का हमारे रिश्तेदारी में बहुत नाम है, उनके साथ रहकर सब तौर तरीके सीख लेना। बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत सलीके से रहती भी है, एकदम फिट। हर कोई बड़ी भाभी की तारीफ करता है। कुणाल की बातों को कनिका ने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कुणाल अब बात बात पर कनिका को बड़ी भाभी के तौर तरीके अपनाने को कहते। उसे साड़ी पहनना पसंद है, लेकिन कुणाल कहते, क्या हमेशा साड़ी पहनती रहती हो? भाभी को देखो, दो बच्चों की माँ है, फिर भी कितनी फिट है। सलवार सूट वेस्टर्न सब पहनती है, कनिका सिर्फ मुस्कुरा के रह जाती है। कनिका को घर के पारंपरिक खाना बनाने में ज्यादा रुचि रखते और घर का खाना खाना ही उसे पसंद था। उसे फिजूल खर्ची पसंद नहीं थी, लेकिन कुणाल को तो जैसे दिखावे की जिंदगी प्यारी थी। वह कनिका को कहता, भाभी को देखो कितना बाहर घूमना पसंद है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाती रहती है। उनका व्हाट्सएप स्टेटस देखा है, और एक तुम हो जिसे जन्मदिन पर सिर्फ घर की खीर खानी और खिलानी है। कन्निका कुणाल की बातों को सुनती और चुप रह जाती, लेकिन इस तरह हर बात में उसकी तुलना भाभी से करना उसे अच्छा नहीं लगता था। वह कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि अगर कुछ बोलने जाती तो कुणाल कहते, भाभी की तारीफ करता हूँ तो तुम्हें ईर्ष्या होती है, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज भाभी के बेटे के जन्मदिन पर जब उनके घर कन्निका और कुणाल गए तो कुणाल ने सबके सामने ही बोलना शुरू कर दिया, भाभी आप अपने लाइफ स्टाइल के कुछ तौर तरीके कनिका को सिखा दीजिए ना। इससे तो बोल बोल कर थक गया कि कुछ भाभी को देख कर सीखो, लेकिन ये तो वही पुरानी आदतों को अपने से छिपकाए रखी है, इससे तो कुछ आता ही नहीं। आपने कितने अच्छी तरह से घर और खुद को मैनेज किया है। भाभी व्यंग्य
भरी नजरों से कनिका की तरफ देखा तो कनिका को बहुत गुस्सा आया कुणाल पर, लेकिन तमाशा ना हो इसलिए चुप रह गई। अरे इसमें इतना रोने वाली क्या बात है, भला चुप रहो कुणाल, सब के सामने मेरी बेइज्जती कर के तुम कहते हो कि क्या बात हुई। भाभी की वह व्यंग्य भरी निगाह, नहीं देखी तुम हमेशा, क्या साबित करना चाहते हो कि मुझे कुछ नहीं आता। भाभी को सब कुछ आता है, सुनो मुझे तुम्हारा इस तरह भाभी के साथ मेरी तुलना करना पसंद नहीं। वह अपनी इच्छा से अपने जीवन शैली के अनुसार चलती है, जरूरी नहीं कि उन्हें जो पसंद है मुझे भी पसंद हो, मुझे मेरी जीवन शैली जैसी भी हो पसंद है। तुम्हें भाभी के तौर तरीके रहन सहन पसंद है, इसलिए खुद को मैं भाभी की तरह बदल दूं ये जरूरी नहीं। मैं पहले भी बोल चुकी हो, आज भी बोल रही हूँ, मुझे जो पसंद मैं वही पहनूंगी, कोई और वेस्टर्न पहनता है इसलिए मुझे भी पहनना होगा, कोई जरूरी नहीं, मुझे साड़ी पसंद है मैं साड़ी ही पहनूंगी। मुझे जन्मदिन पर खीर बनाना और खाना पसंद है, अब तुम्हें नहीं पसंद तो मत खाना, लेकिन किसी दूसरे से मेरी तुलना मत करना। कन्निका अपने आंसू को पोस कर कमरे से निकल गई। कुणाल को सुप साप सोस मैं डूब गया कि भाभी की तारीफ करते करते धीरे धीरे वह कन्निका से उनकी तुलना करने लगा था, जिससे कन्निका को काफी दुख पहुंचा है। कुणाल ने मन में ठान लिया कि अब से किसी की तुलना नहीं करेगा, हर व्यक्ति अपने में विशेष है, अपनी कुछ विशेषताओं के साथ। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।